हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास फिफ्थ हिंदी सेकेंड व्याकरण सेवन चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है काल। काल क्या होता है? जो हम समय, काल का अर्थ है समय। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे नेहा पढ़ाई कर रही है, हिना ने अच्छा चित्र बनाया, मुकुल मित्रों के साथ पिकनिक पर जाएगा, तो ये रंगीन वाक्य बेटा दिए गए हैं, तो ये अलग अलग कार्य बता रहे हैं। जैसे वो पढ़ रही है, इसने चित्र बनाया, और मुकुल पिकनिक पर जाएगा, तो ये सब कार्य का बोध करा रहे हैं। पहले वाक्य में आपने देखा ये पढ़ाई कर रही है, दूसरे में देखा चित्र बना रही, और तीसरे में वो पिकनिक पर जाएगा, तो ये बीते समय में हो चुका है। और तीसरे वाक्य में है कि कार्य के आने वाले समय में किए जाने की सूचना मिल रही है। जैसे काल तीन प्रकार के होते हैं बेटा, एक वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो चलिए काल के कितने भेद होते हैं? जैसे काल के तीन भेद होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान काल क्या है? क्रिया का वो रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होने का पता चले, उसे बेटा वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आनंद सो रहा है, पढ़ रहा है, जो अभी कर रहा है तुरंत, उसको वर्तमान काल कहते हैं, जो अभी हो रहा है जो काम। आकाश में तारे चमक रहे हैं, तुम लिख रही हो, तो वर्तमान काल की पहचान हम वाक्य के अंत में आए जैसे है, हूँ, हो से कर सकते हैं। जैसे इसमें देख रहे है, हूँ, और है, और हो, तो ये बेटा वर्तमान काल की पहचान है। ठीक है, अब अगला है भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? जो क्रिया का वो रूप जिससे कार्य या बीते हुए समय से पूरा होने का पता चलता है, उसको कहते हैं बेटा भूतकाल। ठीक है, अब जैसे उसे भूतकाल कहते, मैं घूमने गया था, वे खा चुके थे, गाड़ी जा चुकी थी, तो जो काम हो गया वो क्या हो गया? भूतकाल। अब भूतकाल की पहचान वाक्य के अंत में क्या होता है? जैसे था, थे, थी, तो वो आप समझ लीजिए कि वो क्या है? भूतकाल है। ठीक है, अब आपका अगला है बेटा भविष्यत्काल। भविष्यत्काल होता है जो आने वाला, जिसके कार्य का भविष्य में होने का पता चले, उसको बेटा कहते हैं भविष्यत्काल। जैसे मैं समय पर कार्य पूरा कर लूँगा, हम पुस्तक मेला देखने जाएंगे, गुंजन कल आगरा जाएगी, तो भविष्यत्काल की पहचान वाक्य के अंत में गा, गे, गी से होती है। ठीक है, अब क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है, उसको काल कहते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने पहले पढ़ा है, क्रिया का वो रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय के होने का पता चले, उसको वर्तमान काल कहते हैं। और भूतकाल क्रिया का वो रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय का पूरा होने का पता चले बेटा, उसको भूतकाल कहते हैं। और क्रिया का वो रूप जिससे कार्य का भविष्य में होने का पता चले, उसे भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे इसमें आप लोग देख रहे हो, पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ेगा। ठीक है, लिखना, लिख रहा है, लिख रहा था, लिखेगा। तो ये आप लोग बेटा देख रहे हो, लिख रहा है, लिखना, लिख रहा है, लिखा था, लिखेगा, गा रहा है, गा रहा था, गाएगा, कर रहा है, कर रहा था, करेगा, बोल रहा है, बोल रहा था, ये भूतकाल, और बोलेगा भविष्यत्काल। ऐसे ही है सारे। अब आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये बेटा आपका होमवर्क है। काल किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, और लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।